क्या आप लोग यहाँ पे एक NFT प्ले टू यार्न गेम जो है यहाँ पे कोई न्यू रिलीज हो रहा है जैसे गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है इसको आप लोग पूरा देखिए। आज की इस वीडियो में हमने एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है यहाँ पे हारमोनिया गोएस लैंड। तो ये जो लैंड है ये अभी सेलिंग में आने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे इनकी ट्विटर हैंडल पे लगभग यहाँ पे 21, 23 एंड 24 को जो है ये जो है यहाँ पे इनकी NFT सेलिंग यहाँ पे होने वाला है। क्या आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? तो ये जो वीडियो है आप लोग यहाँ पे पूरा इसको वॉच कीजिए। और यहाँ पे आज की वीडियो में हमने जो है यहाँ पे इसकी जो गेम की है पूरा रिव्यू जो है यहाँ पे देने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? और नेक्स्ट एक बात है, यहाँ पे एक एयर ड्रॉप भी चल रहा है जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं एंड ऑफ द 2 डेज यहाँ पे अभी यहाँ पे बाकी है। अगर इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर कोई न्यू गेम के बारे में आप लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, कोई प्ले टू यार्न गेम जिसमें आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट पहले एंट्री से आप लोग को यहाँ पे मिल जाए, ये वन ऑफ द बेस्ट गेम आप लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे हारमोनिया गोएस लैंड जो है यहाँ पे इसके बारे में रिव्यू यहाँ पे देते हैं। आप लोग अगर पहले से फार्मर वर्ल्ड हो गया, जो जैसे बड़े बड़े गेम है जिसको एक्सी इन्फिनिटी हो गया, ऐसे गेम को आप लोगों ने वहाँ पे मिस किया है, ये वन ऑफ द बेस्ट गेम आप लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। तो आप लोग आशा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल के अंदर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पे लेके आता हूँ। कोई NFT गेमिंग की प्रोजेक्ट हो या तो कोई मेटावर्स प्रोजेक्ट हो या तो कोई क्रिप्टो जैम कॉइन हो जिसके ऊपर मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पे वीडियो लेके आता हूँ। इससे आप लोग को जो मिस ना हो इसके लिए आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करके रखना पड़ेगा ताकि मैं कोई भी न्यू प्रोजेक्ट हो या कोई क्रिप्टो जैम कॉइन हो लेके आऊँ तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते। अगर आप लोग जरूर इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है हारमोनिया गोएस लैंड को जो है यहाँ पे रिव्यू देते हैं और उसके बाद में जो एयर ड्रॉप अभी यहाँ पे चल रहा है इसमें आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्याक है यहाँ पे 1 गोल्ड प्याक जो है एक्स की आप लोग यहाँ पे जीत सकते हैं, 1 सिल्वर प्याक एंड 1 ब्रॉन्ज प्याक जो है यहाँ पे एक्स की आप लोग यहाँ पे विन कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप लोग एयर ड्रॉप पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसको कैसे ज्वाइनिंग करना है उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में जानकारी देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आप लोग को यहाँ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप लोग जाके इस वेबसाइट को आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे पहले पेज पे आप लोग को देखने को मिलेगा हारमोनिया गोएस लैंड इज द फास्ट ब्लॉकचेन गेम कंबाइन द फार्मिंग सिमिलर विथ क्विस्ट टू टेक केयर योर रेसिडेंट्स, कस्टमाइज योर फार्म एंड क्रिएट द आइटम क्लॉथिंग, ठीक है। इसको आप लोग को यहाँ पे इसको देखने को मिलेगा, इसमें आप लोग को कैसे क्या पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे द गेम रिवार्ड बाय एंड सेल एड्रॉप द आइटम क्रिएट कलेक्शन एंड यार्न रिवार्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग को जो है प्लांट ट्री बोथ इन द गेम यहाँ पे जो है प्लांट ट्री बोथ इन द गेम फिजिकली टुगेदर, यहाँ पे यूनिक रिसोर्स आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्टेक टोकन बाय टोकन एंड पार्टिसिपेट की गवर्नेंस वोट, इसके अंदर जो है आप लोग जो है गेम के अंदर जो रिवार्ड कर सकते हैं इसके अंदर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना जो है मतलब अट्रैक्टिव जो है NFT यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो गेम की लुक है यहाँ पे ऐसे कुछ रहने वाला है, व्हाट विल बी हारमोनिया गोएस लैंड इन द फ्यू वर्ल्ड। यहाँ पे हारमोनिया गोएस लैंड इज द मोबाइल फार्मिंग गेम व्हिच द प्लेयर टेक केयर ऑफ द यूनिक एनिमल व्हिच द प्रोडक्ट रिसोर्स द क्रिएट आइटम क्लॉथिंग द आइटम कैन बी सोल्ड मार्केट यूज द कस्टमाइज द गेम इवोल्यूशन सम एक्शन हारमोनिया यू हैव द डायरेक्ट इम्पैक्ट द रियल द वर्ल्ड एग ट्री एंड प्लानेट हारमोनिया वर्थ ऑफ द ट्री प्लानेट और द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है आप लोग जो है यहाँ पे इसकी जो ट्रीस आएगा जहाँ पे आप लोग यहाँ पे गेम के अंदर आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को ये जो है प्रोडक्ट आप लोग को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। व्हाट हुईज द आइटम आर द NFTs, ईच NFT हैज द इम्पैक्ट द गेम प्ले इट्स ओन द ओए द कोर्स ऑफ द बिल वाइड सोल्ट बट ऑल्सो द रेंट एनिमल्स ट्रीज प्रोडक्ट रिसोर्स द पेन।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ही आप लोग को जो है ट्री से यहाँ पे गेम के अंदर मिलेगा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स आप लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे एनिमल्स जो है आप लोग यहाँ पे हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर जो है आप लोग को मिलने वाला है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे व्हाइट पेपर में जाएंगे और यहाँ पे आप लोग को बताएंगे। चांस विल बी कलेक्टफुल हारमोनिक्स माउस अलाउ द मूव फास्टर द इवेंट द चेंज द अवतार देअर पासिव प्ले विदाउट एनएफटीज बट एनएफटीज बर्निंग द लॉर्ड्स मोर फन। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने बताया है व्हाट इज द हार्मोनिक्स, इसकी मतलब इसकी जो टोकन है इसका जो टोकन सिंबल होगा HMX जो है यहाँ पे इसकी टोकन सिंबल होगा, जो इस गेम के अंदर आप लोग जो है यहाँ पे यार्निंग करेंगे। HMX इज द हार्मोनिक्स इकोसिस्टम टोकन विच आर द पेमेंट रिवार्ड टेकिंग एंड गवर्नेंस प्रॉपर्टीज एंड द मोस्ट कॉमन वे द यार्न एक्सेप्टिव बार द विनिंग मिनी गेम विद द एक्सर यूज द गेम रिपेयर आइटम एक्सप्लोर द स्टोन विद द 7 NPS। मतलब इन्होंने यहाँ पे बताया है आप लोग जो भी यहाँ पे यूज करेंगे जो भी रिवार्ड करेंगे यहाँ पे आपका जो है यूज केस जो है इस टोकन की आप लोग को इस गेम के अंदर आपको पड़ेगा, जो जहाँ पे आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं या तो आप लोग यहाँ पे स्टेकिंग करके भी इसमें भी रिवार्ड कर सकते हैं। मतलब ये गेम की जो है गवर्नेंस टोकन जो है यहाँ पे रहने वाला है। और इस गेम की जो स्टोरी है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है व्हाट इज अ बेटा आइसलैंड, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पे इन्होंने जो है NFTs को बनाया है। व्हाट इज द गोइंग द ट्रीज, तो ट्रीज ऐसा ही यहाँ पे रहने वाला है। व्हाई द नो हैंड द पावर द एनिमल्स मेनी यू हैव आस्क्ड द क्रिएट बिफोरिंग द डैट कम्युनिटी डेवलपर द फॉन NFT ओन्स द प्लेस क्विस्ट द बैट बेटा आइसलैंड मिनी हारमोनियम। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे रहने वाला है जिसमें आप लोग को गेम प्ले करने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज द आइसलैंड, मतलब यहाँ पे फिशिंग की भी कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास में ट्री रहेगा उसमें से आप लोग को क्या कुछ यर्निंग होगा यहाँ पे इन्होंने बताया। आज द रिवार्ड फॉलोइंग द फॉर्म बिगेनर यंग प्लेयर बेटा आइसलैंड कैन यर्न बेटा जेली गेम बेटा जेली कैन कन्वर्ट टू द HMX एट द एंड बेटा आइसलैंड गिविंग ईयरली प्लेयर द हार्ट द स्टार्ट। तो मतलब आप लोग जो है ये जो ट्री लेंगे आपके फार्म में लगाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको जो है बेटा जेली जो है यहाँ पे मिलेगा, जिसको आप लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अपना जो HMX जो टोकन है उसकी गवर्नेंस टोकन में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। गिविन द ईल प्लेयर हार द स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट आप लोग कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनर। तो ये द बेटा आइसलैंड विल बी अवेलेबल कलेक्ट रिसोर्स द बेटा वेरी फीड द एनिमल आफ्टर टकिंग केयर एंड देयर विल बी रिवार्ड विल द बेटा जेली। तो मतलब आपको जो है जो जेली आएगा इसको ट्री को आप लोग को यहाँ पे कुछ स्टेकिंग भी करना पड़ेगा, उसके बदले में आप लोग को यहाँ पे कुछ रिसोर्स यहाँ पे मिलने वाला है जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया। व्हाट इज द इजिली फीस, तो फीस भी आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ए वीआर एक्सपीरियंस द कमिंग सून एंजॉय योर NFT एनिमल्स विद मोर वेल एज द माइक्रो गेम प्ले इज लाइक द फिशिंग गेम विद द डू नॉट स्टॉप द एयर ऑल्सो देयर टेबल गेटिंग द इवेंट क्लोजर यूर द क्यूट कैरेक्टर्स। तो मतलब आप लोग यहाँ पे फिशिंग भी इस गेम के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे रोड मैप इन्होंने यहाँ पे बताया है इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये गेम अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इनकी अगर एडवाइजर की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो अभी ये NFT के ऊपर यहाँ पे अगर पार्टनर की बात करें तो यहाँ पे वॉक्स ब्लॉकचेन एंड टेजोस के ऊपर जो है ये इनकी जो पार्टनरशिप हुआ है, तो बाउंटी ब्लॉक से भी यहाँ पे है। तो बस आप लोग को जो है वेबसाइट के ऊपर इतने सारे कुछ जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। और इनकी अगर ट्विटर हैंडल पे आप लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे आप लोग जैसे आते हैं हारमोनिया गोएसलैंड की प्ले टू यार्न गेम है ये, लगभग यहाँ पे 9615 फॉलोअर्स यहाँ पे हो चुके हैं और इनका एयर ड्रॉप जो है यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें अगर अभी से आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल आप लोगों के लिए यहाँ से हो सकता है, क्योंकि ये जो गेम है अभी जो है लॉन्चिंग पीरियड में है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। यहाँ पे 21, 23 और 24 को यहाँ पे जो है NFT पैक की इसकी यहाँ पे सेलिंग होने वाला है। अगर अभी आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग इसकी जो व्हाइट पेपर है यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो है डिटेल्स में बता रखा है इनकी यहाँ पे जो है सोशल हैंडल जो है यहाँ पे आप लोग को मिलेगा, जहाँ पे आप लोग जो है इनकी सोशल हैंडल को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इन्होंने जो है गेम प्ले के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताया, व्हाट इज द हार्मोनिया ग्वेस्टलैंड। तो हार्मोनिया ग्वेस्टलैंड इज द फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड द गेम मोबाइल फार्मिंग सोल्यूशन। गेम डिजाइन अट्रैक्ट द डिफरेंट ब्लॉकचेन गेमिंग कम्युनिटी, पुट द गेम रिलेशनशिप इन द मास मार्केट प्लेयर इज द कंबाइंड द एटम प्रेस एंड द इम्प्रेशन एनिमल क्रॉसिंग द न्यू होरिजन विल द फार्मिंग सिमिलर गेम पे मैशिन मैकेनिक ऑफ द अप हाई द डे प्रोवाइड द बेस्ट इकोसिस्टम मैशिन एंड द हाई एंटरप्राइजेस वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही कुछ एनएफटी आपको जो है यहाँ पे बाय करना है। और यहाँ पे इन्होंने पूरा इंट्रो दो गोया वर्स दो, यहाँ पे हार्मोनिया गोया लैंड इज द बेनिफिट एनिमल क्रॉसिंग लाइक 3D वर्ल्ड प्लेयर एक्सपेंसिव द वर्ल्ड द हार्वेस्ट रिसोर्स प्लांट ट्री ग्रो द वेजिटेबल फिश क्रिएट ओरिजिनल आइटम कस्टमाइज देयर अवतार द पेट देयर द एनएफटी नेटेड स्टाइल द इंटीग्रेट द 7NPS द प्लेयर फार्म द प्लेयर मिनी गेम इन द हार्मनी एक्स द मेनी टोकन गवर्नेंस टेकिंग रिवार्ड एंड पेमेंट ओवर इल द गोल्स इज द एंटरप्राइज यूनिक प्लेयर द इंटरमेट स्टोरी द गेम। तो देखिए यहाँ पे जो है एनिमल्स देख सकते हैं, यहाँ पे जो एनिमल्स है इसको इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इसको जो है आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे 3D के अंदर जो है यहाँ पे पूरा जो है सिस्टम यहाँ पे बना है। ये लुकिंग भी ऐसे देखिए आप लोग यहाँ पे 3D लुकिंग में ये जो NFT है यहाँ पे बना है, और इसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत मेरे को इस गेम को देखने के बाद यहाँ पे लग रहा है। तो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ होता है। ग्वेस्टलैंड द पेड द फाउंडेशन ब्लॉकचेन प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ट्रीज जो है यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। तो इतना ट्रीज जो है यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे पर मंथ जो है अंडर 2018 को मोर देन जो है इतना ट्रीज जो है यहाँ पे प्लानेड हुआ है, जहाँ पे इन्होंने जो है ये ट्री जो है यहाँ पे सेल करने वाले है। अगर आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं तो यहाँ पे लॉन्च होने के बाद आप लोग यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेकिंग इको रिवार्ड, यहाँ पे स्टेकिंग रिवार्ड के बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ बताया है। तो जहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे आके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोकन्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो बेटा जेली जो है यहाँ पे भी एक देख सकते हैं इनका इकोसिस्टम कैसे काम करेगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे बेटा जेली कैन ओनली टू यार्न ड्यूरेशन द बेटा फेस इन द गेम बेटा ऑन द बेटा आइसलैंड में आप लोग जो है यहाँ पे जेली टोकन जो है यहाँ पे यार्न कर सकते हैं। इन हारमोनिया यू कैन टेक द गुड केयर इन एनिमल्स। तो एनिमल्स को केयर करने के लिए जो है ये बेटा जेली टोकन की आप लोग को जरूरत पड़ेगा। मतलब बेटा जेली जो है आप लोग जैसे ट्री में यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे बेटा जेली आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। ये जो है टोकोनॉमिक सिस्टम है। इट्स विल कैन गिव यू XP पॉइंट ऑन द डे गेम एवरी 15 मिनट। यू विल बेटा आइसलैंड एनिमल नॉट यार्न XP पॉइंट बट बेटा जेली। दिस इज द बेटा जेली रजिस्टर्ड द कैरेक्टर्स यान द एनिमल ब्लॉक चेन इन द बेटा प्रेस यू आर द यान कन्वर्ट द बेटा जेली इन द HMX और सेल योर एनिमल विथ बेटा जेली। तो बेटा जेली के अंदर आपका जो है अभी जो है इनका बेटा फेज जो आएगा जिसमें आप लोग जो है यहाँ पे XMX जो इनके कॉइन है इसको बेटा जेली के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, और बेटा जेली को भी आप लोग जो है XML की HMX के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो बेटा वर्जन में यहाँ पे होने वाला है इनका जो ये जो HMX टोकन है, जैसे आपको मैंने बताया है यहाँ पे है गवर्नेंस टोकन। HMX इज द गवर्नेंस टोकन हार्मोनिया। यू कैन यार्न 3 डिफरेंट वे एज द डिटेल इज द प्ले टू यार्न सेक्शन। तो इसका डिटेल जो है आपको प्ले टू यार्न सेक्शन में आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। HMX इज द NFT दे आर द मेनी एडवांटेज। यू आर द हाई वैल्यू टोकन NFT एक्सपेंसिवली कंसिडर विद द लार्ज वॉल्यूम प्लेयर विद द टू गेट द लॉन्ग रन। तो ये जो है आपका जो है गवर्नेंस टोकन है ये लॉन्ग रन के लिए इन्होंने यहाँ पे रख रखा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे यूजर द सेल NFT यूजर द फ्रेंडली मार्केट प्लेस एटोमिक NFT कंप्लीट द एटोमिक मास मार्केट प्लेस क्रिप्टो मार्केट स्पेशल बिटकॉइन एंड एथेरियम। तो ये जो XMX टोकन है ये इसको शायद कॉइन मार्केट कैप में यहाँ पे लिस्टेड होगा। इसको आप लोग पैनकेक स्वैप से भी बाय कर सकते हैं जैसे अदर टोकन की यहाँ पे होता है, तो वैसे ही आप लोग जो है यहाँ पे इसको जो है ये एक्सचेंज के अंदर भी लिस्ट करेंगे ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसके गेम के अंदर भी ये भी एक टोकन आएगा FHMX जो इस गेम के अंदर शायद यहाँ पे यूज होगा। इन द ऑर्डर द रिपायर ऑब्जेक्ट द कंटिन्यू प्रोडक्ट मिनी गेम इंक्रीज द ब्रॉन HMX एक्सपेक्टेंस दैट यू द टू एक्सपीरियंस द प्लेयर बॉर्न यूनिक द HMX शो विद द न्यू क्रिएट द इफेक्टनेस इन द गेम करेंसी।
यूडो ब्राउन एच एम एक्स, तो फॉर्मेट एच एम एक्स वन, एच एम एक्स इज द, अच्छा ये जो सिस्टम है। अच्छा इस गेम में आप लोग जो कमाएंगे वो होगा, ये देख सकते हैं एफ एच एम एक्स, ये टोकन है जिसको आप कमाएंगे। मान लीजिए आपने 10 कमाया तो आप लोग को जो है इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 एच एम एक्स टोकन आप लोग को यहाँ पे मिलेगा, या तो आपके पास में 1 एच एम एक्स टोकन होगा तो आप लोग जो है 10 एच एम एक्स एफ एच एम एक्स में आप लोग जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब आप लोग को ये तो हो गया इनका गवर्नेंस टोकन एच एम एक्स, तो ये जो हो गया आपको जो है गेम के अंदर यहाँ पे यूज केस इसका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जी एम एक्स जो है ये एक अगर सेकेंड गेम, यहाँ पे हॉरिजन द गेम, आइसलैंड यूनिक, द व्हाइट लिस्ट, एनएफटी, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे बताया है कि जो जी एम एक्स टोकन है इसको आप जो जो है यहाँ पे लिक्विडिटी के अंदर यहाँ पे जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी पूल के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे मतलब आप लोग जो है इसको पूल के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेन हमने जो यहाँ पे देखा है कि गेम के अंदर जो है आप लोग जो है एफ एच एम एक्स टोकन जो है यहाँ पे यार्निंग करेंगे या तो कुछ यूज करेंगे तो इसको जो है आप लोग को यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। और इसका जो मेन गवर्नेंस टोकन है वो है एच एम एक्स टोकन, और यहाँ पे जो है बेटा जेली जो है ये जो है आप लोग को यहाँ पे बेटा वर्जन में यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए मिलेगा, और जी एम एक्स जो टोकन है इसको जो है लिक्विडिटी के अंदर यहाँ पे आप लोग जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसने यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है कि यहाँ पे यार्न कैसे करेंगे, स्पेंड एंड यार्न एंड स्पेंड। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है बेटा आइसलैंड जो है यहाँ पे कैसे क्या काम करेगा, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है यहाँ पे हारमोनिया बोयस लैंड वन ऑफ द फास्ट पी टू ई गेम विद हायर एंटरप्राइज, यहाँ पे मैं थोड़ा, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो आइसलैंड में आप लोग जो है ट्री यहाँ पे लगाएंगे जहां से आप लोग को जो है ये बेटा जेली जो है आप लोग को यार्निंग होगा, इसको आप लोग जो है आपके पास में कोई एनिमल होगा इसको ब्रीडिंग करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो है इसको जो है आप लोग यहाँ पे जेली को यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आगे जाके गेम की प्ले कैसा होता है तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया है, तो आगे जाके हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे प्ले टू यार्न में यहाँ पे विनिंग मिनी गेम में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, तो आप लोग को यहाँ पे कितना परसेंट क्या है यहाँ पे जो है लाभ, यहाँ पे 0%, यहाँ पे कोरिस्टर चेयर जो है 100%, स्टेट प्रोबेबिलिटी माइनिंग, इसको थोड़ा आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, स्टेकिंग कॉर्पोरेटिव यहाँ पे एनपीसी यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैंने देखा यहाँ पे जो लॉटरी सिस्टम में यहाँ पे वन टाइप ऑफ फॉर द एनपीसी होल्डर जो लॉटरी यहाँ पे चांस होने वाला है विन एनएफटी विद इन प्रिंट रन टू द 52 इंसर्ट यहाँ पे होने वाला है, जिसमें आप लोग को जो है यहाँ पे टिकेट्स कैन बी प्रोसेस विथ एच एम एक्स एंड विद एंड जी एम एक्स, तो ये जो दो टोकन में आप लोग जो है इसकी टोकन जो है यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं, इसके अंदर जो है आप लोग को कुछ ना कुछ एनएफटी जो है यहाँ पे मिल वाला है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग एनएफटी एंड ड्रॉप्स के ऊपर, मोस्ट द इंटरविटी एलिमेंट आर अवेलेबल द एनएफटी विजन बिफोर द ब्राइट सोल्ड एंड रेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉक्स एंड एटोमिक हब के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अवतार जो है यहाँ पे ऐसे रहने वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं इसका लुकिंग जो है बहुत ही क्यूट इन्होंने यहाँ पे बनाया है। इसको भी अभी आप लोग जो है एटॉमिक हब के ऊपर यहाँ पे बाय कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ऑल द प्लेयर स्टार्ट द गेम इंटरनेट विजन ऑफ द गोया मेनी मेनी अदर विजन इज द कॉम नॉट नॉट ऑल ऑफ द दिस स्किन विद द इम्पार्ट गेम प्ले द सेम प्रोसेस विली कंज्यूम इट बट अदर द चांस चेंज योर गेम प्ले स्टार्टिंग, तो इसमें इन्होंने कोई स्किन के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे बाय करना चाहते हैं इसकी कुछ स्किन के अंदर यहाँ पे अवेलेबल होगा। यहाँ पे एनिमल्स को देखेंगे तो ऐसे एनएफटी जो है यहाँ पे एनिमल्स की यहाँ पे रहने वाला है, अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पेन की बात करें तो ये जो पेन है यहाँ पे ऐसे रहने वाला है जो भी एनएफटी है। एनिमल डू नॉट द मतलब आप लोग जो एनिमल्स है ये मतलब वाटर में रहने वाले हैं, तो जिसके लिए आप लोग को यहाँ पे लैंड नहीं है, यहाँ पे प्यान यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। तो एनिमल्स डू नॉट रूम फ्रीली मैप इन द इंडिकेटर प्लेयर इज द मोस्ट फास्ट इज द टू प्लेस इंस्टेड द मोस्ट नोबडी एनीबडी हारमोनियम एंड द इंटरेस्ट कैन बी कैन इरेक्टर। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इस पेन के अंदर जो है आप लोग जो है 5 जो है एनिमल्स यहाँ पे फुल पेन के अंदर एक पेन के अंदर यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ पे जो आप लोग को वेजिटेबल कैंडी
एंड जो है ये सब जो है यहाँ पे इसके अंदर आप लोग को मिल सकता है। तो ये देखिए, ये जो गेम है मेरे हिसाब से तो बहुत आगे यहाँ पे जा सकता है इसके अंदर, जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ट्री आप लोग की ऐसे रहेगा, इसको थोड़ा बहुत स्टडी जो है आप लोग यहाँ पे माउंट्स यहाँ पे ऐसे रहने वाला है, जिसकी यूज केस क्या है इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे पहले एनिमल को यहाँ पे प्रोसेस करना चाहते तो आप लोग के पास में जो है यहाँ पे इस जो थ्री टाइप की ये जो फोर टाइप की पास है यहाँ पे होना चाहिए, जो है ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, वो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। अगर आपके पास में ये होगा तो आप लोग जो है फास्ट यहाँ पे एनिमल्स को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको भी आप लोग जो है एटॉमिक हब के ऊपर जो है आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसको जानने के लिए आप लोग यहाँ पे जो है पास्ट ड्रॉप के अंदर ओल्ड ब्रोंज के अंदर यहाँ पे December 21 को हुआ था, जहाँ पे इन्होंने जो है 350 काउंट किया था, प्राइस 1 वैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड किया था शायद। तो ये अभी आप लोग को तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ड्रॉप है अभी यहाँ पे आने वाला है, जो है पहला यहाँ पे ड्यूरेशन यहाँ पे जो है 24 आवर्स यहाँ पे रहने वाला है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, 1 ड्रॉप फॉर ईच पैक टाइप ऑफ द ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड द गोल्ड व्हाइट लिस्टेड अकाउंट ओनली। तो आप लोग को यहाँ पे व्हाइट लिस्टेड अकाउंट होना चाहिए, और आपके पास में जो है ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर ये कोई यहाँ पे ब्रॉन्ज रहेगा तो आप लोग को जो है लिमिटेड यहाँ पे लिमिट के अंदर 1 पैक पर सेल पर व्हाइट लिस्ट पास होल्डर अकाउंट। तो ठीक है, तो ओल्ड ब्रॉन्ज पास, न्यू ब्रॉन्ज पास ओपन पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको थोड़ा आप लोग यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं अगर आप लोग यहाँ से बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने पूरा बताया है, अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं यहाँ पे जाके भी आप लोग जो है बाय कर सकते हैं। तो इसको कैसे बाय करना है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे इनके जो टोकन है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आते हैं, टोकन डिस्ट्रीब्यूटर बेटा जेली। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा जेली, जैसे मैंने बताया इसकी बेटा वर्जन में यहाँ पे इन्होंने लॉन्च करने वाला है। तो यहाँ पे HMX जो है यहाँ पे मेन टोकन यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे इतना जो है HMX आर वी प्लानिंग टू ट्रांसफॉर्म बेटा जेली, तो बेटा जेली के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर करने वाला है रेट्रो डिमेंशन यहाँ पे प्लेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सप्लाई जो है यहाँ पे बहुत ही कम यहाँ पे दिख रहा है, तो जिसके अंदर आप लोग को इस टोकन के अंदर भी अच्छा खासा प्राइस यहाँ पे ऑफ होने की चांसेस यहाँ पे लग रहा है। एंड ये जो है प्ले टू यार्न के अंदर यहाँ पे इतना परसेंट जो है इतना टोकन यहाँ पे रखे, गेम के अंदर यहाँ पे स्टेकिंग जो करेंगे उनके लिए यहाँ पे इतना टोकन, एंड मार्केटिंग के लिए इन्होंने जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया है, जो ये जोन है यहाँ पे 40% जो है यहाँ पे प्ले टू यार्न के अंदर यहाँ पे रखा गया है, और गेम्स के अंदर यहाँ पे 13%, एंड अगर स्टेकिंग की बात करें यहाँ पे 11%, एंड मार्केटिंग के लिए यहाँ पे 4%, एंड बेटा जेली के लिए जो है यहाँ पे 8% यहाँ पे बुक किया है, एंड पोटेंशियल यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए भी इन्होंने 9%, एंड प्री सेल राउंड के अंदर यहाँ पे 9%, एंड पब्लिक सेल के अंदर जो है यहाँ पे 4% इन्होंने यहाँ पे रख रखा है। तो मतलब टोकन भी बहुत ही कम है इसकी, टोकनॉमी की अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे पता चल जाएगा टोकन की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होने वाला है, यहाँ पे इन्होंने पूरा यहाँ पे बता रखा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहे तो थोड़ा बहुत अपना स्टडी यहाँ पे जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग, अभी अगर आप लोग यहाँ पे NFT को प्रोसेस करना चाहते तो आप लोग को जो है इसकी NFT जो है यहाँ पे एटॉमिक हब के ऊपर अभी इस टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल है। अगर यहाँ पे देखेंगे हारमोनिया पास जो है यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं, अगर आप लोग जैसे मैंने बताया यहाँ पे ब्रोंज, सिल्वर जो है आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे व्हाइट लिस्ट के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आपका पास जो है यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर कैरेक्टर की पास में हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कैरेक्टर भी इनके लिस्टेड है। अगर आप लोग किसी एक कैरेक्टर को हम लोग लिस्टेड निवेश हम लोग यहाँ पे लोएस्ट कर देते हैं, बहुत ही कम मतलब क्रिएटर यहाँ पे है। अगर मिंट देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 11 मिंट की है, और यहाँ पे और भी बहुत ही मतलब 30 मिनट की है, 1 की भी मैंने यहाँ पे मिंट 1 भी दिखा था, लेकिन इसको अभी यहाँ से बाय भी हो चुका है, ठीक है। मिंट 5 भी अभी यहाँ पे है, लगभग यहाँ पे $77 पे यहाँ पे अभी अवेलेबल है। अगर अगेन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई न्यू गेम के बारे में यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट गेम आपके लिए हो सकता है। अगर इस कैरेक्टर को अभी इस टाइम पे वो मिंट 5 की कैरेक्टर है, और यहाँ पे जो देख सकते हैं $77 पे यहाँ पे ये अभी सेल हो रहा है, तो लगभग अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे
तो लगभग उसी की प्राइस है, यहाँ पे कोई ज़्यादा यहाँ पे बड़ा हुआ नहीं है। तो ऑलमोस्ट जो है ये लॉन्चिंग से पहले इसको अगर आप लोग यहाँ से बाय करते हैं, इस गेम जब लॉन्च होगा तो इसके अंदर आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मैं फ्रेंड्स पहले आप लोग को बता दूं, यहाँ पे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप लोग यहाँ से कुछ बाय करते हैं, अगर आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ खुद आप होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देख के यहाँ पे मेरे हिसाब से, मेरे को जो लगता है इसके अंदर से पोटेंशियल है, अगर आप लोग यहाँ से बाय करते हैं, क्योंकि इसका जो NFT है अभी यहाँ पे हाइप होने वाला है, और हाइप से पहले अगर किसी में एंट्री लेते हैं तो प्रॉफिट आप लोग जानते हैं इस क्रिप्टो मार्केट में कैसे होता है। तो आपके हिसाब से आप लोग यहाँ से थोड़ा सोच सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बाय करने के लिए सोचूंगा, लेकिन अभी मैं जो है यहाँ पे देखूंगा पहले गेम की हाइप कितना होता है, और यहाँ पे ट्विटर के अंदर यहाँ पे फॉलोअर्स कितना गेन करते हैं। यहाँ पे आज की डेट है 19 एंड 20 एंड 21 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फॉलोअर्स कितना बढ़ते हैं, और इस गेम के अंदर कितने लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं। और आप लोग यहाँ पे एटॉमिक हब के ऊपर, इसकी प्राइस एक्शन के ऊपर जरूर नज़र रखना। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो 2-4 घंटा 5 घंटा इसको नज़र रखिए, और यहाँ पे कौन सा लिस्ट हो रहा है, कौन सा डिलिस्ट हो रहा है, कौन बाय हो रहा है, कौन सेल हो रहा है, तो इसको थोड़ा बहुत अगर आप लोग यहाँ पे ट्रैक करेंगे तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर कितना हाइप यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो मेरा काम था, मैंने आपको जो है यहाँ पे रिव्यू दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग न्यू गेम की तलाश यहाँ पे कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग को यहाँ पे एयर ड्रॉप के अंदर अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एयर ड्रॉप करने के लिए आप लोग को इनके ट्विटर हैंडल पे आ जाना है। हालांकि मैं जो इसकी एयर ड्रॉप की लिंक जो है आप लोग को नीचे प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन के अंदर कर दूंगा, तो आप लोग यहां पे जा सकते हैं। और यहां पे एयर ड्रॉप के ऊपर जैसे आप लोग यहां पे क्लिक करेंगे, ये जो पेज है आपको ओपन होके आएगा। यहां पे जो टाइमिंग है देख सकते हैं, 2 डेज अभी यहां पे बाकी है। लगभग यहां पे 7500 से ऊपर जो है यहां पे पार्टिसिपेट लोग यहां से कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर इस चैनल को, अभी तक आप लोग यहाँ पे वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप लोग ऐसे ही आते हैं और यहाँ पे वीडियो देख लेते हैं और यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही वीडियो जो है आप लोग को टाइम टू टाइम लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कीजिए, और आपको जो है न्यू जो गेमिंग प्रोजेक्ट है यहाँ पे आप लोग को टाइम टू टाइम जो है मैं लेके आऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आप लोग को आ जाना है, और इस लिंक के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे एयर ड्रॉप की ये पेज आ जाएगा। अभी देख सकते हैं 1 डे अभी रह गया है, फटाफट जाइए अगर क्लेम यहाँ पे कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको जो है 6 O 2 यार्न यहाँ पे हो, यहाँ पे लिख के आएगा गुड लक माई डियर, यहाँ पे लिख के आएगा। तो आप लोग को सिंपल यहाँ पे व्हाट इज योर वर्क्स एड्रेस, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास में ट्विटर अकाउंट हो, फेसबुक हो, ये सब तो बेसिकली आपके पास में होना चाहिए किसी भी एयर ड्रॉप में आप लोग को जाने से पहले। तो इसको आप लोग को, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये जो एयर ड्रॉप कोई देता है तो यहाँ पे जो है इनकी सोशल हैंडल को फॉलो करना, लाइक करना, रिट्वीट करना, ये सब जो है आप लोग को करना ही पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग को पास में होना चाहिए। आप लोग चाहे तो यहाँ पे ट्विटर के थ्रू यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, या तो आपका जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी जो है आपको यहाँ पे देना है, और मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ, तो इसकी वजह से मैं अभी यहाँ पे फिल करूंगा तो मेरे को अभी शो नहीं होगा। तो आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अगर आप लोग ईमेल आईडी के साथ साइन अप करना चाहते, वरना आप लोग यहाँ पे लॉग इन विथ यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक या तो डिस्कॉर्ड आपके पास में होगा तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट। नहीं तो आप लोग ईमेल आईडी के लिए आप लोग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी देंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में आपको जो है वर्क्स एड्रेस मांगेगा, तो आप लोग को वर्क्स एड्रेस को फिल करना है। उसके बाद में 4 से 5 टास्क आपको आएगा जो है, कोई टास्क मतलब इतना बड़ा टास्क नहीं है, इनके फेसबुक हैंडल को फॉलो करना है, ट्विटर हैंडल को फॉलो करना है, डिस्कॉर्ड को फॉलो करना है। अगर आपके पास में डिस्कॉर्ड हो तो आप लोग यहाँ पे फॉलो कर दीजिए, वरना यहाँ से छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग करके यहाँ पे जो है वो एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 गोल्ड पैक, 1 सिल्वर पैक एंड 1 जो है ब्रॉन्ज पैक यहाँ पे आप लोग को मिलने की चांसेस यहाँ पे है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का इसकी वीडियो। तो आप लोग अगर यहाँ पे हारमोनिया ग्वेस्टलैंड प्ले टू यार्न जो यहाँ पे इसके अंदर अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस गेम के ऊपर हमने पूरा रिव्यू यहाँ पे दे चुका है। तो आप लोग अगर इस वीडियो में कुछ भी आप लोग को माइंड में डाउट है तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपके माइंड में इसको फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 21, 23 एंड 24 को जो है इसका जो है गेम की जो है NFTs यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। एटॉमिक हब के ऊपर भी आप लोग को मिल जाएगा, अभी भी आप लोग एटॉमिक हब के ऊपर इसके जो क्रिएटर है इसको आप लोग बाय कर सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो। अगर यार ड्रॉप में आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस चैनल पे न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए।